शहर के शोर से थक कर और रूह के सुकून को ढूंढने के लिए टीम खानाबदोश ने प्लान बनाया रंच घरों जाने का। भाई यहाँ पर भी ना हिचहाइकिंग शुरू हो गई, कहीं नहीं लगे भाई यहाँ मिले ना, छोड़ेंगे इस गाड़ी के पास, छोड़ देना तेरी बस। जगह तो दे थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ भी हिच हाइकिंग है। ये करीब ही थे। शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। लगा ये भी चल रहा है, इसको निकालो, पानी निकाला, पानी पीछे बोतल में इसका पानी ऑफ कर दो और यू करके डालो। आग कैसे लगी है यार? यार ये जल रहा है ना भाई, इधर इसको भी पानी डालो। यार छीटे हो जाए, ऊपर से डालो, ऊपर से यहाँ से डालो। वो पानी नहीं, सिगरेट की वजह से आग लग गई थी और बचत हो गई। वापसी सफर पे गए, चल अल्लाह ने बचा दिया। अच्छा बहुत अच्छा हो गया, शुक्र है। अभी हम दिखा रहे हैं कि वो जो रास्ते में हमारे साथ हुआ वो क्या हुआ था। वो चीज मैंने लाइव रिकॉर्ड की है। जबरदस्त, ये तो आप देख सकते हैं, ये ना ये आग लग गई थी यहाँ पे गाड़ी में सिगरेट की वजह से, इसीलिए प्रोहिबिटेड। हम इसीलिए भाई स्मोक तुम करते नहीं है, यहाँ से कुछ हुआ था और स्मोक किसी ने, पता नहीं हमारी अपनी गाड़ी में से निकला था वो एक स्मोक या फिर किसी ने साथ वाले ने छोड़ दिया था, तो वो हमारे जाके इधर सामान में जाके अटक गया था, तो उससे फिर वो उसकी वजह से आग लग गई थी, जो कि हार्मफुल था लेकिन शुक्र अल्लाह का बचत हो गई वो, तो वरना तो पता नहीं क्या होता था। आज अभी हम जा रहे हैं, अभी हम घरों के लिए निकले थे, घरों तो पहुँच चुके हैं और इधर से अंदर की तरफ हमें जाना है। वहाँ पर झील है, वहाँ पर हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं और वाइल्ड सफारी के लिए, टीम खानाबदोश वाइल्ड सफारी। तो ठीक है, अभी तो रास्ता ही चल रहा है आगे। वाइल्ड सफारी के लिए और ये भी हम साकरों से थोड़ा सा आगे अंदर की तरफ आए हैं, भारो से अब अंदर जा रहे हैं, और क्योंकि वाइल्ड लाइफ की बात है, थोड़ा फोटोग्राफी का सीन है, सनसेट भी हो रहा है, बहुत अच्छा है, तो सोचा कि पीछे बैठ जाऊं और इसके साथ कुछ गेम खेलूं और इसके साथ कुछ अच्छे क्लिक्स निकालने की कोशिश करें, बाकी क्योंकि गाड़ी हिल बहुत रही है और ये वजरी बहुत है, कोशिश करूंगा कुछ निकाल लूँ वरना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये है यहाँ के सीन, ये भी सीन है यहाँ पे भाई।
भाई 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 ये ओहो, हमें ऐसा शौक नहीं है लेकिन ट्राई तो करेंगे यार। और सीन बड़े प्यारे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये मजा तो इसी का है, बहुत प्यारी जगह। पहुँच तो गए हम जगह पे, ये जगह तो बहुत आइडियल माशाल्लाह मस्त जगह है। आई होप कि वाइल्ड लाइफ के लिए जो हम सोच रहे हैं वो मिलेगा यहाँ पर। और मैंने कुछ सनसेट के यहाँ पर कैप्चर किए हैं क्योंकि थोड़ा सा हम लेट पहुँचे, रास्ते में रुक जाते तो मज़ा आता, लेकिन रुके नहीं, वहाँ पे झील वगैरह थी। तो ये है और दिखाएंगे आपको, बड़े प्यारे आए हैं। थोड़ा सा टाइम रह गया रोशनी पर, ड्रोन चला नहीं सक रहा मैं भी, ड्रोन का ना मेरा मोबाइल कोई मसला कर रहा है कनेक्शन का, तो अभी वेट कर रहे हैं कुछ, देखते हैं। लेकिन दो जो बाद है कैप्शन के लिए मेरे दूसरी टीम अभी रास्ते में वो आ रही है और फुल वही देहात का माहौल है। इन्होंने वाले यहाँ पे सोने का इंतज़ाम पूरा, मतलब कि औताक बनी हुई है और बिस्तर वगैरह फुल रेडी। और आप देख सकते हैं ये, आज मैं एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकता हूँ और करूँगा क्योंकि आज मैं अपने साथ अपने कैमरे की किट लेके आया हूँ, DSLR की, और तो वो मैं कर सकता हूँ। बाकी आप ये देखें, मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इतनी खूबसूरत नज़ारे। अगेन वही बात है, आप शहर से दूर होते तो खूबसूरती बहुत देखने को मिलती है। ये तो ये अगर आप कुछ एडवेंचर इस टाइप का चाह रहे हैं तो बेस्ट जगह है यार ये, बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको नाइट स्टे करना भी है, शिकार का भी हमारा है, देखते हैं रात में करेंगे या फिर सुबह करेंगे, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। वो तो आदिल भाई लोग खानाबदोश की दूसरी टीम आएगी तो पूरा प्लान हमें पता चलेगा, मगर अभी हम पहले पहुँच चुके हैं, वो तकरीबन थोड़ी सी दूरी हैं, वो आने वाले हैं। ये फूल जैसी है, चाय बन रही है, चाय वहाँ भी कुछ चल रहा है, कार्टन पीडी चल रही है, यहाँ भी कार्टन पीडी चल रही है सरकार, बिल्कुल वीडियोस ऑन करें भाई। ये अनस भाई हैं इस दफ़ा जो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। अनस भाई ने कहा इस दफ़ा छारों की तरह खाना नहीं होगा, इस दफ़ा अलग ही होगा कुछ, अनस भाई ने कहा। ये रहे फुल देसी, ये चाय करें, हम 4 घंटे में रास्ता तय करते हैं, गोरख से वापस काटिया 190 रुपए खाना पीना। सर जी चारू का बताएं, चारू इन्होंने कितने में किया है? 240 रुपए। ऐसी बात है, 240 रुपए। और ये लेके जोकियो और ये मजे की बात ये कि हमने जो चारू का ट्रिप किया वो कोई 8-10 हज़ार रुपए का पड़ा और इन भाई साहब को माशाल्लाह से 240 रुपए में। मॉर्निंग का स्काई चेक कर रहे हैं, माशाल्लाह सेक्सी। और अब हम निकल रहे हैं ज़रा, गाने शुरू है भाई। अब हम निकल रहे हैं ज़रा कुछ अच्छी मखलूक्स को कैप्चर करने के लिए, कुछ खूबसूरत थी, अल्लाह करे मिल जाए, क्योंकि वो मिलेंगी ना। बता हाँ, मतलब बर्ड्स, कोई और मखलूक नहीं, बर्ड्स, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के लिए निकले हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और वाइल्ड सफारी का ये ट्रिप था। तो अभी हम जरा झील की तरफ जा रहे हैं आगे, और इस वक्त सुबह के सर में ख्याल में 5:15 हो रहे हैं, क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 5:15 ही हो रहे हैं तकरीबन। और अभी हम निकल रहे हैं झील की तरफ और झील किनारे, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स माइग्रेट करके
आते हैं और इंशाल्लाह कुछ अच्छी अच्छी। कैमरा दिखा नहीं पाएगा? नहीं, मेरा कैमरा तो नहीं दिखा पाएगा, मेरा तो बहुत वाइड एंगल चल रहा है। ये वाला ना बजूका लगाता हूँ इसके ऊपर ना। ओ तो आवाज़ें तो खूबसूरत खूबसूरत आने शुरू हुई हैं। ये मेरे ख्याल में वो है कहा था, ये सामने उड़ते हुए सीक्रेट है वो, मुझे फिशर लग रही है। नहीं नहीं फिशर ये ऊपर, हाँ ऊपर जो ऊपर तो फिशर है, फिशर है ना वो बैठा ऊपर, किंग फिशर बैठा ऊपर, किंग फिशर वो ऊपर सामने बैठा ऊपर, किंग फिशर। ओह चल रही है बहुत है यहाँ पर, वो इग्रेट गया तो यहाँ पर आप फैलकन मिल सकते हैं। हाँ ये सामने बैठा, एक मिनट कर ही लेते हैं। यहाँ से आपको दिखाते हैं कुछ रिफ्लेक्शन के साथ होने का। थोड़ी सी निशानेबाजी की तरबियत हासिल की और फिर हम भी बन गए शार्प शूटर। ट्रिगर पे उंगली खाली तब आएगी। अरसलान साहब इस वक्त गन चलाने में से सही है, बड़ी है मैं, उनकी जान निकल रही है, गन चलाने में जान नहीं निकली, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है, इनको डर लग रहा है कि गोली पीछे से ना निकले। सामने से ओए तो परिंदा भी सामने आ गया। ओए इधर नहीं, ओए फिजेंट है दानी, नहीं छोड़ दे यार बेचारा, वैसे बड़ी मुश्किल से मिलना है। सही है बड़ी है भाई, खेती में बैठ गया, खेती में बैठ गया, पकड़ भाई वो, उन्होंने वहाँ पर हमारी बारी आ रही थी भाई वहाँ पे, लेकिन फिजन दिख गया, अभी उसको कुछ देखते हैं। मैं अरसलान जोकियो, पाकिस्तानी हिचहाइकर, और इस मरतबा मैंने एक्सप्लोर की ये जगह। आदिल भाई जल्दी भाई पीछे जाओ, काउंट करिएगा भाई पीछे जाओ बंदो, हाँ काउंट करें काउंट करें काउंट करेंगे, जल्दी 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 जल्दी, बहुत स्पीड में आ रही है, बहुत स्पीड में आ रही है, बता दिएगा मुझे तो आगे हो जाओ, दो कदम आगे हो जाओ, दो कदम, हाँ वीडियो तुम्हारी तो आई है, ओ आ भी गई है और कैप्चर भी कर लिया भाई, खत्म खत्म डीपियां निकली हैं, बहुत बहुत आतंक वाली। फाइनली सब चले गए और अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 11:30 और धूप भी हो गई है और बस नाइट स्टे का था, वाइल्ड सफारी का एक कुछ फोटोग्राफी वाइल्ड लाइफ हुई, बाकी हंटिंग भी की और साथ साथ शूटिंग का भी बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ। और तो ये खानाबदोश टीम माशाल्लाह ऐसे काम करती रहती है, ऐसे ट्रिप्स करती रहती है ऑर्गेनाइज और बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट के ऊपर, और इसलिए कि न्यू पर्सन्स को ये एक्सपीरियंस मिलता रहे और उनके अपने भी ये शौक ताज़े होते रहे, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, मज़ा आया। बस अब हम इंतज़ार कर रहे हैं अभी हमारी गाड़ी में जो सामान वगैरह पूरा लोड हो रहा है अनस भाई की, और फिर निकलते हैं। तो इतने में मैं बहुत प्यारा सॉन्ग्स ये फुल देसी में
कुछ देर आराम कर लेते हैं फिर निकलना है, बस सफ़र है। ये देखिए अरसलान भाई सोते हुए। हाँ भाई, वापसी का सफर शुरू है। अब हमारे गाड़ी हो गई लोड। ये पक्का गेम ही गेम। मीठा भाई गारो गारो आए और लस्सी ना पिए। टुनारी हो जाएगी बोले टुनारी हो। हमने कोई गाड़ी चलानी है, गाड़ी तो उन्होंने चला रही है। रात दो दिन का जागा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जैसा पिक्चर्स एंड वीडियोस जो है ना वो कर देना, वो हो जाएगा। हाँ भाई ये हो गया अपना मलीर हॉल्ट आ गया और यहाँ पर इनके साथ मेरा सफर खत्म हुआ। कड़ा बाबा ये और अब बस घर आ गए और ये सफर भी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा ट्रिप रहा। इसकी वीडियोज आपको दिखाएंगे, वीलॉग दिखाऊँ, बहुत मज़ा आया। चलो ओके।